भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद ने दिल्ली के जंतर मंतर से आज बहुजन हुंकार रैली की। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ मोदी सरकार बल्कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज यहां कई जगह इंटरनेट बंद कर दिया गया है। 12 तारीख को प्रशासन ने हमारा कार्यक्रम रोकने की कोशिश की, लेकिन आज भारी मात्रा में यहां लोग जुटे हैं। ये सब कुछ बयां कर रहा है, पूरे देश में जिन लोगों को बहुजन समाज की चिंता है वो सभी यहां आए हैं। उन्होंने बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा कि बाबा साहब के बच्चे ऐलान कर रहे हैं कि मोदी जी को दिल्ली की गद्दी छूने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि मैं काम करके दिखाऊंगा। चंद्रशेखर ने कहा कि आज 15 मार्च को हमारे रहबर का दिन है। गठबंधन की अटकलों पर चर्चा करते हुए चंद्रशेखर ने कहा कि संघर्ष में आदमी अकेला होता है और सफलता में पूरी भीड़ उसके साथ होती है। गठबंधन कैसे होते हैं काशीराम ने बताया है। उन्होंने कहा कि हम बहुजनों से जो उलझेगा फना हो जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं संविधान बचाने को लड़ रहा हूँ, जेल से नहीं डरता मैं संविधान बचाने के लिए लड़ रहा हूँ। मनुवादी आंख खोलिए, अगर आज चूक हो गई तो बहुत पीछे चले जाएंगे। बनारस से चुनाव लड़ने का जिक्र करते हुए चंद्रशेखर ने कहा कि जब मैंने बनारस से चुनाव लड़ने का ऐलान किया तो मोदी ने सफाई कर्मियों के पैर धोए। ये लड़ाई 85% बनाम 15% की है। चंद्रशेखर ने कहा कि काशीराम की बहन का आशीर्वाद मुझे मिल चुका है, पूरी मजबूती के साथ लड़ूंगा ताकि मनुवाद हार जाए। दलितों और अल्पसंख्यकों को एक करेंगे और मनुवाद को हरा कर दिखाएंगे। मैं यहाँ राजनीति नहीं कर रहा हूँ, बल्कि कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं, उनके खिलाफ मैं आज यहाँ लड़ने आया हूँ। अखिलेश पर निशाना साधते हुए चंद्रशेखर ने कहा कि अखिलेश यादव जी ने हमारी कीमत कम लगाई। उनके समय में 58,000 दलित कर्मचारियों के डिमोशन किए गए। हमारे बिल को लेकर अखिलेश ने एक भी शब्द नहीं बोला। अखिलेश यादव को इसका जवाब देना ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, BHBC न्यूज। जिन लोगों को बहुजन समाज की पीड़ा है, जो लोग बहुजन समाज की तकलीफ महसूस करते हैं, वो लोग यहाँ आए। दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आज हमारे रहबर का जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ आए। पूरे देश से भीम आर्मी के लोग आए, और मैं ये भी जानता हूँ कि संघर्ष में आदमी अकेला होता है, लेकिन जब सफलता मिलती है तो काफिले होते हैं। आप घबराइएगा मत, ये जो हजारों लोगों की भीड़ में देख रहा हूँ, ये इतिहास लिखेंगे देश का। आज 15 मार्च है, ऐतिहासिक दिन है, हमारे रहबर का जन्मदिन। और साहब ने कुछ आदर्श स्थापित किए, बड़े गौर से सुनिएगा, मीडिया के बंधु भी आए हैं। एक वोट एक नोट, जिसकी जितनी संख्या भारी, ये तो नौजवान सब चीज जानते हैं।